हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 मिनट ट्रिक्स चैनल पर। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर, आप सभी की रितिका मैम एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं एक नई ट्रिक को लेकर। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हर बुधवार को शाम को 7 बजे हम लोग एक नई ट्रिक्स के साथ जुड़ते हैं आप सभी के साथ। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो आपका YouTube का शेड्यूल है कि आप लोग मेरे साथ YouTube पर डेली किन किन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि 8 बजे जो सुबह क्लास होती है वो आपकी बैंक की स्पेशल क्लास होती है, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। SSC की क्लास दोपहर को 2:30 बजे और आपका शाम को 6 बजे का जो सेशन है वो हमारा रेलवे NTPC का सेशन होता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। तो आप मेरे साथ इन यूट्यूब की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। इनके अलावा फ्री क्लासेस है अनअकैडमी पर, गाइस 3 हो रही है डेली की डेली, 3 फ्री क्लासेस। सुबह 11 बजे SSC एग्जाम्स, शाम को 4 बजे रेलवे एग्जाम्स की फ्री क्लास और शाम को 7 बजे बैंक एग्जाम की फ्री क्लास, राइट? ओके, तो फाउंडेशन बैच गाइज मेरा रीजनिंग का स्टार्ट होने वाला है 7 सितंबर से। ये बैच चलेगा जहां पर हम लोग SSC रेलवे और सारे UP और स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ये बैच टॉपिक वाइज होगा। अगर आप लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो रितिका 10 कोड यूज करके आप लोग सीधे सीधे मेरे फाउंडेशन प्लस कोर्स से जुड़ सकते हो अनअकैडमी पर। ओके, कोड यूज करें रितिका 10 और जुड़े। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है इंटरचेंजिंग कॉन्सेप्ट। तो गाइज इस कॉन्सेप्ट की खास बात ये है, हम लोग कैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे समझिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को पढ़े। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब दो लोग आपस में अपनी जगह को एक साथ बदल देते हैं, जब दो लोग इंटरचेंजिंग कर लेते हैं एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन, तो कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बहुत दिक्कत आती है हमें ऑर्डर एंड रैंकिंग के इस कॉन्सेप्ट में। लास्ट में भी आप लोगों को मैंने समझाया था, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको मिडिल कॉन्सेप्ट समझाया, इस बार इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट। तो भाई क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि गौरव भाई एक लाइन में लेफ्ट साइड से 21 नंबर पर बैठा हुआ है, आशीष राइट साइड से 24 नंबर पर बैठा हुआ है। जब वो दोनों अपनी पोजीशन को बदल देते हैं तो गौरव का स्थान 31 हो जाता है लेफ्ट से। तो यार ये बताओ, जब पहले गौरव 21 पे था और जब पोजीशन बदलने के बाद उसका स्थान 31 हो गया है, तो 21 से 31 होने के लिए गौरव ने कितने कदम चले, माने +10 चला भैया, 10 कदम चले कि नहीं चले, कितने कदम चले, +10, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति जो रैंक एक व्यक्ति जो है आप लोगों का जो जितने कदम चलेगा दूसरे की जगह तक जाने के लिए, हमें दूसरे को भी उतने ही कदम चलवाने पड़ेंगे। मतलब अगर गौरव ने 10 कदम चले हैं आशीष की जगह तक जाने के लिए, तो आशीष को भी 10 कदम चलने पड़ेंगे गौरव की जगह तक जाने के लिए। मतलब आशीष की रैंक अगर हम लोग दाईं ओर से माने राइट साइड से ज्ञात करेंगे तो कितनी होगी, 24 +10, उसमें भी जोड़ देना है, एक का जितना डिफरेंस आता है उतना ही हम लोग दूसरे में जोड़ देते हैं। तो 24 +10 मतलब आशीष की रैंक दाईं से जोड़ी नहीं जाएगी, जो नई रैंक होगी इंटरचेंज करने के बाद वो क्या होगी, दैट इज 34, ठीक है। तो याद रखो, एक का जितना गैप आएगा, एक का जितना आप लोग के स्टेप्स, एक बंदा जितने स्टेप्स आप लोग के चलेगा उतना ही हमें दूसरे में ऐड करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग चालू करें तो देखो भाई यहाँ पे पूछा गया है कि गौरव लेफ्ट साइड से अगर आपका 11th नंबर में था, आशीष आपका राइट साइड से 24 नंबर पे था, जब वो अपनी इंटरचेंजिंग पोजीशन कर लेते हैं, पोजीशंस को आपस में बदलते, तो गौरव का स्थान 20 हो जाता है। आशीष की रैंक राइट साइड से फिर कितनी होगी, आप लोग बताओ। जब पहले 11 नंबर पे था, अब जब कितने नंबर पे हो गया आप लोग चेक कर सकते हो, 20 नंबर पे, है ना, 20। तो 11 से 20 होने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 9 की जरूरत पड़ेगी ना यार, 9 कदम। तो भैया आशीष को भी 9 कदम चलवाने पड़ेंगे यार गौरव की जगह तक जाने के लिए, तो 24 में 9 जोड़ दीजिए, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा भाई, 33 आ जाएगा, 33, ठीक है। तो मतलब समझ के चलो कि एक बंदा जितने कदम चल रहा है दूसरे की जगह तक जाने के लिए इंटरचेंजिंग के लिए, उतना ही हमें दूसरे में ऐड करना है, रैंक निकालनी है। अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइन में टोटल कितने लोग हैं। भाई यहाँ पे देखो, बताया गया है कि गौरव लेफ्ट से है आपका, आशीष राइट से 24 पर है, जब गौरव अपनी पोजीशन बदल देता है तो 31 नंबर पे हो जाता है। लेकिन इस लाइन में टोटल कैसे निकाले भाई, टोटल निकालने के लिए आप लोग ट्रिक क्या फॉलो करोगे, जो लेफ्ट वाली रैंकिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लोग हैं हम उन सबको ऐड कर लेंगे 21, जो यहाँ से यहाँ तक के लोग बैठे हुए उन सबको ऐड कर लीजिए 24, मतलब एक तो हमने गौरव की रैंक को ऐड किया, एक हमने आशीष की रैंक को ऐड किया, उसके बाद जितने बीच में जो हमारे स्टेप्स निकल के आए ना, बीच में कितने स्टेप्स हैं वो तो निकल के आएंगे हर बार हर क्वेश्चन में, तो उसको भी आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 54। लेकिन लास्ट में -1 करना जरूरी है, आंसर आएगा यहाँ पे 55 आया और लास्ट में आंसर आपका 54 बन जाएगा, यहाँ पे ऐड करने पर आया 55 और यहाँ पे आपका आंसर 54 बन जाएगा, है ना। तो मतलब आप लोगों को करना क्या है कि भाई सबसे पहले लेफ्ट वाली रैंकिंग को ऐड कर लीजिए और फिर आप लोग राइट वाली रैंकिंग को ऐड कर लीजिए, बीच का जितना भी गैप आ रहा है 10 लोगों का 9 लोगों का उन सबको ऐड करो, लास्ट में -1 करो, क्योंकि टोटल निकालते समय -1 करना जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग जब भी रैंक या जब भी ऑर्डर एंड रैंकिंग कर रहे हैं तो हम दो लोगों की एक ही लोगों की रैंक को दो बार नहीं गिन सकते, एक ही रैंक को दो बार नहीं गिन सकते, दैट्स वाई हमें -1 करना लास्ट में कंपलसरी है, ठीक है, वो जो कि हम लोग टोटल निकालते समय भी करते ही थे -1, राइट? तो यहां पर आप लोग का आंसर बनेगा 54 इस लाइन में टोटल है। अगर मैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके का पूछूं तो आप लोग कैसे करोगे,
देखो रजत यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड से 15 पर है, यहाँ पर यश लिखा हुआ है आपका राइट साइड से 35 नंबर पर है, रजत आपका 15 पर है, यश आपका राइट साइड से 35वें नंबर पर है। अगर अपनी रैंक्स को आपस में बदल देते तो रजत 29वें नंबर पर हो जाता है। आप देखो वही चीज़ है कि रजत पहले 15 पे था फिर 29 पे हो गया, 15 से 29 करने के लिए कितने कदम चले इसने, 14 कदम चल लिए हैं भैया। टोटल कैसे निकालेंगे पूछा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ दिस लाइन, तो कैसे निकालोगे, लेफ्ट वाली रैंकिंग को ऐड कर दो जो कि 15 है रजत की, राइट वाली रैंकिंग को ऐड करो जो कि 35 है, और बीच के जितने भी स्टेप्स आए उनको भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का आ रहा होगा टोटल ऐड करने पर 64, माइनस 1 करोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 63। यही बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है आप लोग का, इसका आंसर आ गया 63, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका 63 बनेगा। याद रखना कि आप एक रैंक लेफ्ट से ऐड करो राइट से ऐड करो, बीच के जितने भी लोग उनको ऐड करो, लास्ट में माइनस 1 करो, तो हम इस लाइन में टोटल भी निकाल सकते हैं। तो होप सो ये इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें एक व्यक्ति की रैंक दी जाए कि जब इंटरचेंजिंग करने के बाद इतनी हो रही, तो जितने बीच में उसने स्टेप्स चले हैं माइनस करने पर जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं वो बीच के स्टेप्स, उतने ही आपको दूसरे व्यक्ति में ऐड करने हैं, तो आपकी इंटरचेंजिंग आ जाएगी, नई रैंक आ जाएगी। अगर टोटल निकालना है तो लेफ्ट रैंक को ऐड करो, राइट रैंक को ऐड करो, और जितना भी बीच का ये जो गैप आता है हम लोग जो निकालते हैं माइनस करने के बाद, ये 14 आया कैसे, 14 कैसे आया, 29 में से 15 को माइनस किया तो 14 आया। ठीक है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं क्योंकि ये ऑर्डर रैंकिंग चैप्टर है, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को निकाल के ही निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें टोटल कैसे निकालना है, इंटरचेंजिंग हम लोगों को किस तरीके से करनी है। अगले वीडियो में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ गाइस आप लोगों से जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जैसे मैं हमेशा करती हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ रहा है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये टॉपिक वाइज फाउंडेशन जो कोर्स है वो मेरा स्टार्ट हो रहा है 7th ऑफ सितंबर से, आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम लोग एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, स्टेट लेवल्स के लिए हम लोग टॉपिक वाइज क्लासेस करने जा रहे हैं। ये बैच आपका चैप्टर वाइज होगा जो कि इमेज फॉर्मेट से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या करोगे गाइस, एसएससी कैटेगरी में जब आप प्लस पे जाते हो, एसएससी कैटेगरी में प्लस का ऑप्शन चूज करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, वहां पर आप लोग 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का जो है आप लोग चूज करिए क्या, और आप लोग लास्ट में भाई यहाँ पर पेमेंट मेथड कर दीजिए जिसमें आप लोग कोड क्या लगाओगे, रितिका10 RITIKA रितिका10 इज माय मैंडेटरी को, अगर आप लोग ये कोड इस्तेमाल करते हो तो आपका अमाउंट 10% तक लेस हो जाता है, और आप लोग फाइनली लास्ट में मेक पेमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग अनअकैडमी की क्लासेस करते हो फ्री वाली, तो कुछ कॉइन्स भी होंगे ना आपके पास, कॉइन्स लगा दो तो आपका एक साल का तो जो अमाउंट है मिनिमम टू मिनिमम मैक्स टू मैक्स आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी मेरा कोड इस्तेमाल करो तो आप लोग का अमाउंट भी गाइस 20% तक लेस हो जाएगा। कॉइन्स का भी यूज कर लीजिए, सीधे सीधे मेरे 7 सितंबर के इस बैच से जुड़ जाइए। और प्लस की क्लासेस में गाइस न सिर्फ रीजनिंग बल्कि मैथ्स, जीएस, जीए और इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स की क्लास आपको जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं अकेडमी पे उन सबकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगले बुधवार को शाम को 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ, एक धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।